हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका कक्षा सातवीं गणित के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम अध्याय 14 समानुपात के अंतर्गत प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न क्रमांक 2 को सॉल्व करेंगे। मेरा नाम है सदानंद सलहरे, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 को। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है, निम्न में से कौन कौन से संख्या समूह समानुपाती है, यदि समानुपाती नहीं है तो क्या यह संभव है कि क्रम बदल कर व उन्हें पुनः व्यवस्थित कर समानुपाती बनाया जा सके, किनमें यह भी नहीं किया जा सकता। सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पर जो भी ये समूह दिया है क्या वे समानुपात हैं या नहीं है, ये अपन को समझना है, और यदि संख्याओं को आगे पीछे करने से क्या यह समानुपाती बन सकता है ये बताना है, और यदि आगे पीछे करने से भी ये पॉसिबल नहीं है तो उसको अपन को बताना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लिखेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम दूसरा का पहला वाला जो है उन संख्याओं को ले लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल डेस, फिर संख्याओं का जो समूह है जिस क्रम में वैसे 4, 8, 16, 32, फिर यहाँ 4:8 बराबर, इसका जो सरलतम मान है ना उसको हम सामने में लिखेंगे। ठीक है, इस अनुपात का सरलतम जो मान है उसको हम सामने में लिखेंगे। ठीक है, तो देखो यार 4 × 4, 4 × 8। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको पेंसिल से इसलिए काट दिया है क्योंकि इसको ऐसे काटने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। ठीक है, 4 × 4, 4 × 8, तो ये जो 1 और 2 आया है वो सामने हम लिखेंगे 1:2, और इसको ऐसे कोष्टक पे रखना। ठीक है, तथा 16:32, इसका जो सरलतम अनुपात होगा, देखो यार यहाँ पर भी 16 × 16, 16 × 32, तो यहाँ पर भी हमें 1:2 ही मिल रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, प्रथम दो संख्याओं का जो सरलतम अनुपात है वो अंतिम दो संख्याओं के सरलतम अनुपात के बराबर है। ठीक है, इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो संख्याएं हैं जिस क्रम में लिखा गया है समानुपात में है। ठीक है, लेकिन हम उसको दिखा भी सकते हैं, इसलिए 4:8 समानुपात 16:32। ज़्यादा स्पष्ट करना है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सरल अनुपात समान है। ठीक है, सरल अनुपात समान है, इसलिए 4:8 समानुपात 16:32। फिर लास्ट में लिखोगे अतः 4, 8, 16, 32 समानुपात। प्रश्न को देख लेते क्या बोला है भाई, है ना, संख्या समूह समानुपाती है। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं समानुपाती है ऐसे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से अपन को सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें जो संख्या समूह दिया था वो पहले से समानुपाती क्रम में था। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जितने भी यहाँ पर प्रश्न दिया रहेगा वो सब पहले से समानुपाती क्रम में हो। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं दूसरा का दूसरा वाला को। ठीक है, हल लिखना, डेस करना, और जो यहाँ पर संख्याएं दी गई है उसको लिख लेना ध्यान से। ओके, ध्यान से कहने का मतलब है जो दिया है वही लिखना है यार, कभी कभी क्या होता है अपन गलती से कोई दूसरा संख्याएं ले लेते हैं। ठीक है, फिर हल करोगे तो भी गलत हो जाएगा, है ना। अब यहाँ 12:16, अब देखो यहाँ पर सरलतम अनुपात ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों संख्याएं बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या से जा सकता है, 4 से जा सकता है। ठीक है,
4 तिया 12, 4 चौक 16, बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या से जा सकता है? 4 से जा सकता है। और सपोज यदि आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम इसको बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या से भाग दें जिससे कि हमें सरलतम अनुपात प्राप्त हो, तो क्या करना, आप जो महत्तम समापवर्तक निकालते थे, ठीक है, उस तरीके से इन दोनों को अभाज्य संख्याओं से भाग देना। मतलब कि यहाँ पर छोटी से छोटी अभाज्य संख्या लेना है आपको, और ऐसा संख्या लेना है जिससे ये दोनों भाग जाए, है ना। तो वही तो आपका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने का तरीका था, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर करेंगे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 से ये दोनों जाएगा, है ना। तो 2 से 12 को भाग दोगे तो 6 आएगा, 2 छक्के 12, ठीक है, और 16 को 2 से भाग दोगे तो 8 आएगा, 2 अट्ठे 16। अब देखो यहाँ पर 6 और 8 है, ये फिर से 2 से जाएगा, है ना। तो 2 3 6 और 2 4 8। अब यहाँ पर 3 और 4 फिर किसी से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये जो लास्ट में आपको यहाँ पर प्राप्त होगा ना, यही आपका क्या है, सरलतम अनुपात है। क्या है? सरलतम अनुपात है। तो लास्ट में ये जो प्राप्त होगा ना, यही आपका सरलतम अनुपात है। इसी को आपको यहाँ पर लिखना है ऐसे, ठीक है। तो 12:16 का सरलतम अनुपात मिल रहा है 3:4, ठीक है। ये समझने के लिए था, इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है, लिखना मत इसको, है ना। तथा 48:64, अब इसका सरलतम अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर फिर से वही क्रम करो भाई, 48 और 64 को ऐसे लिख लो, ठीक है। अब देखो इसकी इकाई में 4 है, इसकी इकाई में 8 है, मतलब कि ये दोनों जो है कि 2 से जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं, 48 को 2 से भाग दोगे तो आपको यहाँ पर 24 मिलेगा, ठीक है, 2 24 48 होता है। और 64 को 2 से भाग दोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 32। अब यार भाग देने का काम आप लोग कर लेना, ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट बता देता हूँ। और सिंपल सा है कि किसी भी संख्या को 2 से भाग देते हो ना, तो भागफल उसका आधा मिलता है। तो 48 का आधा 24, 64 का आधा 32। अब फिर से ये दोनों 2 से भाग जाएंगे, 24 का आधा कितना होता है 12, और 32 का आधा कितना होता है 16। तो यहाँ पर ये, उसके बाद ये दोनों फिर से 2 से जाएगा, ठीक है। तो 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, उसके बाद ये फिर से 2 से जाएंगे, 2 3 6, 2 4 8। अब इसके बाद ये फिर किसी कॉमन संख्या से नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये 3 आ गया है, 3 अभाज्य संख्या है, 3 सिर्फ 3 से जाएगा, है ना। और ये 4 जो है कि 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, लेकिन ये 3 नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जो ये संख्या है उसको सरल करते आना है। यहाँ पर जो लास्ट टर्म बच जाएगा वही आपका सरलतम अनुपात है, ठीक है। तो देखो यार सिंपल सा चीज़ है कि आपको ये जो क्रम से लिखा हुआ है ना, तो पहले 2 और अंतिम 2 के बीच में सरलतम अनुपात ज्ञात करना है, उसके बाद तय करना है कि ये समानुपात क्रम में है कि नहीं है। डायरेक्ट देखकर आप मत बोल देना, ठीक है, कि यार यहाँ पर तो 12 और 16 का कोई पहाड़ा नहीं बन रहा है जैसे कि पिछले प्रश्न में बना था, है ना। तो ऐसा बुद्धि नहीं लगाना, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐसे लाइन लिख देना, सरल अनुपात समान है, सरल अनुपात समान है, इसलिए 12:16 समानुपात 48:64, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अतः 12:16 48 64 समानुपाती है, समानुपाती क्रम में है। ये जो समझाया हूँ, है ना, ये आपका अलग से भाई, ये उत्तर का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये समझने के लिए। आपको उत्तर में ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, है ना, आपको सिर्फ ये लिखना है। लेकिन यार यदि आप अपने कॉपी में ये सब को बना लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, है ना, क्योंकि बाद में आपको पता रहेगा कि यार हमने सरलतम अनुपात कैसे प्राप्त किया था, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा का तीसरा, हर लिखते हैं, डेस करते हैं, फिर उसके बाद 4 6 18 12, ओके।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, प्रथम दो और अंतिम दो के मध्य में सरल अनुपात ज्ञात करेंगे। ऐसा करना क्यों है, यदि आप इसको देखोगे तो भी आपको कई बार पता चल जाएगा कि ये ना समानुपात क्रम में नहीं है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि समानुपात क्रम में है कि नहीं है, तो हल करके ही बता पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम इसको सरल अनुपात ज्ञात कर लेते हैं और फिर बताएंगे कि समानुपाती क्रम में नहीं है, और फिर ये दिखाएंगे कि कौन से क्रम में इसको रखोगे तो समानुपाती क्रम पॉसिबल है बोलके। ठीक है, तो यहाँ पर 4:6 बराबर, अब देखो यार ये 4 है ये 6 है, ये दोनों जो है कि ना 2 से जाएगा। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या 2 से जाएगा, 2 × 4 2 × 3 6, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2:3। ठीक है, और फिर तथा 18:12, ये दोनों संख्याएं बड़ी से बड़ी संख्या 6 से जाएगा। ठीक है, 6 × 18 6 × 18 6 × 12 6 × 18 6 × 12। अब यहाँ पर लिखते हैं सरल अनुपात समान नहीं है, समान मतलब बराबर, ठीक है नहीं है, इसलिए 4 6 18 12 समानुपाती क्रम में नहीं है, समानुपाती क्रम में नहीं है, क्रम में नहीं है। चलो अब ये तो बता दिए कि समानुपाती क्रम में नहीं है, तो अब ये देखते हैं कि क्या इसके क्रम बदलने से हम समानुपाती क्रम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो यार, यदि ये वाला 2 इधर हो जाता और ये 3 इधर हो जाता, ठीक है, ये 2 सामने रहता ये 3 इधर रहता, तो क्या हो जाता, समानुपाती क्रम हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यदि क्रम में इस प्रकार परिवर्तन हो तो कैसे परिवर्तन हो, 4 और 6 जैसा है वैसे रहने दो, है ना, ये जो 12 है इसको इधर और 18 को इधर, तो ये 2 इधर आ जाएगा 3 इधर चले जाएगा, है ना, तो 12 को अपन इधर ला देते हैं 18 को इधर ला देते हैं, तब 4:6 बराबर 2:3 तथा 12:18 बराबर 2:3। अब यहाँ पर और आपको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसको आप पहले ही डिस्कस कर लिए हो कि यार 4:6 बराबर 2:3 होता है ना, और 12:18 बराबर 2:3 आएगा कैसे, है ना, दिमाग नहीं लगाना है क्या, दिमाग लगाओ। ठीक है, ये 12 को इधर करोगे तो ये 2 इधर आ जाएगा, 18 को इधर करोगे तो 3 इधर चले जाएगा, सेम है ना, तो यहाँ पर हमने अलग से उसको डिस्कस नहीं किया। फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसा लिखो, है ना, सरल अनुपात समान है, सरल अनुपात समान है, ओके ये हो गया, इसलिए 4:6 समानुपात 12:18, अतः 4 6 12 18 समानुपात क्रम में है, समानुपात क्रम में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो जब समानुपात क्रम में नहीं था तो हमने सीधा सीधा लिख दिया 4 6 18 12 समानुपाती क्रम में नहीं है, लेकिन जब ये समानुपाती क्रम में था तो मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, अब यार इसको ऐसा तो नहीं है कि हम बराबर लिख के काट दें कि बराबर नहीं बोल के, है ना, ऐसा तो कुछ है नहीं कि चार ऐसा बिंदु लगा के इसको काट दो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सिंबल तो इस कारण से मैंने जब समानुपात है तभी ये सिंबल को यूज किया है, और जब समानुपाती क्रम में नहीं है तो यहाँ पर इसको ऐसा लिखा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा का 4th वाला को, ओके हल लिखेंगे डेस करेंगे,
और जो भी यहाँ पर संख्या है उसको हम लिख लेंगे। 200, 300, 400, 600, ठीक है। डायरेक्ट देखकर आप तय कर सकते हो कि ये समानुपाती है कि नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको हल करो, ठीक है। देखो यार, डायरेक्ट देखकर कैसे कर सकते हो, यहाँ पर देखो, यदि हम 100 से भाग देंगे, है ना, तो 100 दुनी और ये 3, 2:3 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और इसको हम 100 से भाग देंगे तो 4 और 6 मिलेगा। अब 4 और 6 को फिर से 2 से दोगे तो 2 और 3 मिलेगा, है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलने से चीज़ें एकदम से स्पष्ट नहीं हो जाती, हल करने से समझ आता है, ठीक है। तो अपन इसको हल करते हैं, ओके। यहाँ 200:300 बराबर, अब देखो दोनों साइड में 0 0 है, 0 0 है, ठीक है। तो ये 0 0 0 0 को काट दो, बचा क्या 2 और 3, है ना। ऐसा करना है, देखो यार 200 है, इसको आप जब 100 से भाग दोगे, किससे भाग दोगे 100 से, तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा। वैसे ही 300 को जब 100 से भाग दोगे तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा। मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, कि 200 और 300 दोनों को हम 100 से भाग देते। कैसे पता चला कि 100 से भाग देना है, यहाँ पर दोनों में, यहाँ पर 00 है, यहाँ पर भी 00 है, दोनों जगह 00 है, तो हमने 100 से भाग दे दिया, ठीक है। तो ये 2:3 मिल गया, ओके। तथा 400:600, अब यहाँ पर चीज़ों को ध्यान से समझियो, है ना, ये 400 है और 600, दोनों में 00 है, ठीक है। दोनों को हम 100 से भाग देंगे, ठीक है, दोनों को क्या करेंगे 100 से भाग देंगे, तो ये 00 जो है ना वो कट जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 4, यहाँ पर बच जाएगा 6। अब ये दोनों जो है कि 2 से भाग जा सकता है, तो 2 दुनी 4, 2 3 6, तो क्या मिला 2 और 3 मिला, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2:3, फिर यहाँ पर ऐसा लाइन खींचना और क्या लिख देना, अनुपात समान है, क्या लिखोगे अनुपात समान है, सरल अनुपात समान है, ठीक है। यहाँ पर ये सरल शब्द को लिख दोगे ना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सरल अनुपात समान है। और ये जो हमने किया है ये आपके समझने के लिए है, ये आपके उत्तर का हिस्सा नहीं है, तो पेपर में इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने कॉपी में लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब आगे, इसलिए 200:300 समानुपात 400:600, ठीक है। अतः 200, 300, 400, 600 समानुपात क्रम में है, चलिए देखते हैं दूसरा का पांचवा वाला को हल लिखते हैं, डेस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है उसको लिख लेते हैं अपन, 11 22, 11 एकम 11, 11 दुनी 22, है ना। और यहाँ पर 88 और 44, 44 एकम 44, 44 दुनी 88, मतलब यार ये 88 इधर रहता, 44 इधर रहता, है ना, तो फिर ये समानुपाती क्रम में होता। लेकिन अभी क्या ये समानुपाती क्रम में है कि नहीं है, ये आप डायरेक्टली नहीं बोलोगे, बल्कि प्रमाण के साथ बोलोगे, ठीक है। कैसे प्रमाण, यहाँ पर आपको सरल अनुपात ज्ञात करना है ना। तो यहाँ 11:22 बराबर, देखो 11 एकम 11, 11 दुनी 22, तो क्या मिला 1:2, ठीक है। तथा 88:44 बराबर, 44 एकम 44, 44 दुनी 88, तो यहाँ पर मिला है 2:1, ठीक है। 44 एकम 44, 44 दुनी 88, ठीक है, तो 2:1 मिला है। क्या लिखेंगे, अनुपात समान नहीं है, क्या लिखेंगे अनुपात समान नहीं है, इसलिए 11 22
88, 44, समानुपात पाती क्रम में नहीं है। ओके, अब यहाँ पर सरल अनुपात को देखने से क्या लगता है, यदि ये जो एक है इधर रहता और दो इधर रहता तो ये समानुपाती क्रम में होता, ठीक है, मतलब कि ये जो 44 है ये सामने रहता, 88 इधर रहता तो समानुपाती क्रम में होता, ठीक है। अब यदि संख्याओं का क्रम निम्न हो, निम्न मतलब नीचे में जो लिख रहे हैं वो, ठीक है, निम्न है 11, 22 ऐसा रख देते हैं, 44 को आगे ला लेते हैं, 88 को पीछे ले जाते हैं, तब 11 अनुपात 22 बराबर 1:2, ठीक है, बराबर करो, है ना, 44:88। देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, 11:22, 11 × 11, 11 × 22, 1:2, ठीक है, यहाँ पर आपने पहले ही प्राप्त कर लिया है। अब आपने जानबूझ के 44 को सामने किया और 88 को इधर किया है कि आपको 1:2 प्राप्त हो, जब आपने जानबूझ के किया आपको पहले से पता है तो यहाँ पर लिख दो ना भाई, 1:2 बराबर 44:88, ठीक है, तो ये हो गया। इसलिए 11:22 समानुपात 44:88, ठीक है, ये हो गया। अतः शब्द को ना जनरली एक ही बार यूज करना चाहिए, बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने ज़्यादातर जगह में ना इसलिए शब्द का इस्तेमाल किया है, ठीक है, यहाँ पर हम अतः इस्तेमाल कर रहे हैं, 11:22 44:88 समानुपाती क्रम में है ऐसे। ओके, यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं दूसरा का छठवा वाला को, ठीक है, तो यहाँ पर अपन को क्या दिया है, 4, 1, 2, 8, ओके। चलिए अब यहाँ पर यदि हम किसी प्रकार का रिलेशन इन चीज़ों में भिड़ाना चाहे, जमाना चाहे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 4 और 1 के बीच में जो रिलेशन है, तो चलिए इसको हम देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक है, यहाँ 4:1 बराबर, अब देखो यार यहाँ पर एक जो संख्या है वो सीधा सीधा एक ही है, तो इसका जो सरलतम अनुपात है वो क्या है भाई, 4:1 ही है, ठीक है, तथा 2:8 बराबर। अब यहाँ पर देखो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो यहाँ पर अपन को मिल रहा है 1:4, ओके। अब यहाँ पर जो सरल अनुपात है वो समान नहीं है, ठीक है, यहाँ पर जो सरल अनुपात है समान नहीं है, समान नहीं है, ओके, अतः 4:1:2:8 समानुपाती क्रम में नहीं है, समानुपाती क्रम में नहीं है। लेकिन यदि हम यहाँ पर ध्यान दें कि ये 4 वाला यदि पहले रहता, 1 वाला बाद में रहता, ठीक है, तो दोनों का सरल अनुपात समान हो जाता, ठीक है, तो उसी कारण से हम यहाँ पर चेंज करेंगे, यदि संख्याओं का क्रम निम्न
प्रकार रखा जाए। क्या रखना है? चार और एक को जैसा है वैसा ही रहने दो, यहाँ पर आठ को आगे ला लेते हैं, दो को पीछे कर देते हैं, ठीक है। तब चार अनुपात एक बराबर आठ अनुपात दो, ठीक है। देखो यार, चार अनुपात एक बराबर चार अनुपात एक ही रहेगा, तो उसको डबल डबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जब हम आठ को पहले कर देंगे, दो को बाद में कर देंगे, तो ये जो सरल अनुपात है वो क्या हो जाएगा? चार अनुपात एक हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर अपन को सरल अनुपात क्या मिला है? चार अनुपात एक ही मिला है, तो उसको फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर लिख देते हैं आठ अनुपात दो, ओके। इसलिए चार अनुपात एक समानुपात आठ अनुपात दो, ठीक है। अतः चार एक आठ दो समानुपाती क्रम में है, ओके। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा का सात वाला को, ठीक है। तो हल लिखते हैं भाई, डेस, और यहाँ पर क्या दिया अपन को? 25, 15, 3 और 5। यहाँ 25 अनुपात 15 बराबर, अब इनमें जो सरल अनुपात है वो क्या है उसको देखते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? 25 और 15 को साइड बाय साइड लिख लेते हैं। अब छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना है, शर्त ये है कि दोनों जाना चाहिए, ठीक है। तो दोनों सिर्फ 5 से जा सकता है, ओके। 5 एम 25, 5 3 15। इसके बाद ये और सरल नहीं हो सकता, इसको इन दोनों को और किसी भी कॉमन अभाज्य संख्या से भाग नहीं दे सकते, तो यही इसका आ जाएगा 5 अनुपात 3, ठीक है। तथा 3 अनुपात 5 बराबर 3 अनुपात 5, क्योंकि देखो यार, 3 अनुपात 5 का सरलतम रूप 3 अनुपात 5 है, और यहाँ पर इसको हम कोष्टक में रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों का जो सरल अनुपात है उसको देखो, समान नहीं है। यहाँ पर हम लिख देते हैं सरल अनुपात समान नहीं है, ठीक है। सरल अनुपात समान नहीं है, इसलिए 25 15 3 5 समानुपाती क्रम में नहीं है, समानुपाती क्रम में नहीं है, ओके। देखो, समानुपाती क्रम में नहीं है। अब यहाँ पर सरल अनुपात को ध्यान से देखो, यदि ये जो 5 है वो पहले हो जाता और ये 3 बाद में हो जाता, आप चाहो ना तो पहले वाले को भी चेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि सेकंड वाले जो ग्रुप है मतलब कि पहले दो को भी चेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि सेकंड दो को ही चेंज करें। अभी तक जितने भी हम प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं उन सब में सेकंड दो को ही चेंज कर रहे हैं, लेकिन आप चाहो तो पहले दो को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले दो का क्रम को अदला बदली कर रहा हूँ, ठीक है। अब यदि संख्याओं का क्रम इस प्रकार हो, संख्याओं का क्रम इस प्रकार हो, कैसा हो भाई? हम 15 को आगे ला देते हैं, 25 को पीछे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5, तब 15 अनुपात 25 बराबर 15 अनुपात 25। इसका सरल अनुपात क्या होगा? यदि हम 15 को आगे ले जा रहे हैं तो ये 3 भी आगे आ जाएगा और 5 पीछे चले जाएगा, ठीक है। 15 को आगे ला रहे हो, 25 को इधर कर रहे हो, तो ये 3 आगे आ जाएगा, 5 पीछे चले जाएगा, तो यहाँ पर 3 अनुपात 5।
अब देखो जो सेकंड संख्या है वो 3:5 ही है, तो उसको फिर से ऐसे बराबर करके लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो कॉमन सेंस अपने अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो इतना ही, इसलिए 15:25 समानुपात 3:5। ओके, अतः 15:25 3:5 समानुपात क्रम में है, समानुपात क्रम में है। देखो यार, जरूरी नहीं है कि यही एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, यहाँ पर और भी कॉम्बिनेशन है जिसको हम समानुपात के रूप में दिखला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 3 और 5 को आप शुरू में ला सकते हो ऐसे, है ना, उसके बाद 15 और 25 लिख सकते हो। ठीक है भाई, अब यहाँ पर 3 × 5 15 5 × 25, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 के बाद 15 लिख दिए, 5 के बाद ऐसा 25 लिख दिए, है ना। कहने का मतलब ये है कि यही जो एक क्रम है ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे क्रम में आप रख सकते हो। ठीक है, जो समानुपाती संख्या है उसमें बहुत सारे ऐसे आपको क्रम प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन जो भी क्रम करो तो यहाँ पर उसको दिखाना कि हाँ ये समानुपाती दिख रहा है इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं दूसरा का, 8वां वाला को। ठीक है, एक बात यार, यदि आपको चीज़ें समझ आ गई होगी ना, ठीक है, तो अपने से बनाने का कोशिश करो, है ना, हर एक को एकदम देख देख के बनाने की आवश्यकता नहीं है, है ना, क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ ना, तो ये चीज़ आपको समझाना मेरा फर्ज है कि आप एक एक चीज़ को एकदम देख के कॉपी कर रहे हो, ऐसा मत करना, थोड़ा अपना बुद्धि भी लगाना, बनाना, फिर उसके बाद चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिखते हैं 2 2 4 3 4 6 8 और 1 1 2। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो चलिए देखते हैं। देखो एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से देखो, 34 एकम 34, 34 दूनी 68, 34 एकम 34, 34 दूनी 68, और यहाँ पर 112 एकम 112, 112 दूनी 224, दिख रहा है। तो यहीं पर जो भी है रिलेशन है उसको अपन को जमाना पड़ेगा, लेकिन पहले ये बताते हैं कि इस क्रम में जो है वो समानुपाती है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 2 2 4 अनुपात 3 4, यहाँ पर ये कौन से सरल अनुपात में है उसको देखते हैं। सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए मैं एक अलग से कागज़ ले रहा हूँ, क्योंकि तो बगल में भी कुछ लिखना पड़ता है ना, तो अपन इसको ऐसे लिख लेंगे 2 2 4 और ये आपका 3 4। ठीक है, देखो यार, दोनों की इकाई में 4 है, इसका मतलब ये है कि ये छोटी से छोटी संख्या जो अभाज्य संख्या लेते हैं 2, उससे भाग जाएगा। ठीक है, 2 से भाग देते तो क्या मिलता है अपन को यार, 2 से भाग जब देते हैं तो जो भी संख्या दिया रहता है, ठीक है, उसका आधा अपन को भागफल के रूप में मिलता है। तो ये जो 224 है इसका आधा क्या है, 112। ठीक है, और ये जो 34 है ना इसका आधा होता है 17। ठीक, इसके बाद इसको आप और सरल नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये जो 17 है ना ये अभाज्य संख्या है, और 17 के पहाड़ में ना 112 नहीं आता। ठीक है, पढ़ के देख लो भाई, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 4 67, 17 5 85 और 17 6 102। ठीक है, 17 7 119, तो 17 के पहाड़ा में ना 112 तो नहीं आता है ना। ठीक है, तो यही है, इसको और ज़्यादा सरल नहीं कर सकते, तो हम ऐसा बराबर करेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 112। ठीक है, और अनुपात यहाँ पर 17। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं तथा 68 अनुपात 112। ठीक है, अब इनके बीच में सरल अनुपात याद करते हैं भाई, क्या मिलता है देखते हैं, 68 है 112 है ना, ये दोनों जो है कि 2 से जाएगा। ठीक है, कितना आएगा भाई, 6 का आधा 3, 8 का आधा 4 है ना, 112 का आधा कितना हो जाएगा, 2 5 10, 2 6 12,
फिर 2 से देंगे, यहाँ पर 17 आ जाएगा, यहाँ पर 28 आ जाएगा, तो 17 और 28 मिल रहे हैं, 17:28। ठीक है, तो यहाँ पर जो सरल अनुपात है वो समान नहीं है, सरल अनुपात समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए 2, 2, 4, 3, 4, 6, 8, 1, 1, 2 समानुपात क्रम में नहीं है। ठीक है, समानुपात क्रम में नहीं है, ऐसा हम लिख देंगे, अनुपात क्रम में नहीं है। अब यहाँ पर देखो दोनों के सरल अनुपात को। ठीक है, देखो यार यहाँ पर 17 और 17 तो मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ 112 और यहाँ पर 28 है, तो दोनों में से किसी एक के क्रम को बदलने से अपन को समानुपात नहीं मिलने वाला। दोनों में से किसी एक के क्रम को बदल देंगे तो हमें समानुपात नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो शुरू में हमने देखा था कि 34 दूनी 68 होता है, ठीक है, और 112 दूनी 224 होता है, तो उस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को जमाना पड़ेगा। ठीक है, अब यदि संख्याओं का क्रम इस प्रकार हो, देखो मैं क्या करने वाला हूँ, जो छोटी संख्या उसको पहले रखूँगा, है ना, और फिर बड़ी संख्याओं को बाद में। यहाँ पर मैं 34 और 68 को शुरू में रख रहा हूँ, 34 एकम 34, 34 दूनी 68, ठीक है, और 112 उसके बाद 224। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को सरल अनुपात डायरेक्ट मिल रहा है, 34 एकम 34, 34 दूनी 68, ठीक है, 112 एकम 112, 112 दूनी 224, तो उसको अपन डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ 34:68 बराबर 1:2, 34 एकम 34, 34 दूनी 68, ठीक है, और वैसा ही यहाँ पर भी प्राप्त होगा, तो लिख देते हैं उसको 112, 224। ठीक है, इसलिए 34:68 समानुपात 112:224, अतः 34:68, 112, 224 समानुपात क्रम में है, समानुपात क्रम। ठीक है, में है, ऐसे इसको कंप्लीट करना है। कहने का मतलब है बुद्धि को थोड़ा खुला रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यार अभी तक जैसे बन रहा है वैसा ही बनेगा, है ना, हर क्वेश्चन अपने आप में यूनिक होता है, कुछ सिमिलैरिटी होता है लेकिन कुछ अंतर भी होता है। ठीक है, तो उस अंतर को आपको पहचानना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं दूसरा का 9वां वाला को। ठीक है, हल लिखेंगे, डेस करेंगे, और यहाँ पर जो दिया है उसको देखकर सावधानी पूर्वक लिख लेना है, जो दिया है वही लिखना है, अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करते हैं भाई क्या अनुपात मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ 67 और 134, ठीक है, इसके बीच में क्या अनुपात मिलता है उसको देखते हैं। तो एक चीज़ आपको बताता हूँ, हर बार ना सेम प्रोसेस को फॉलो करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, कभी कभी अपना दिमाग को खुला रखना है और कुछ मतलब तुक्का भी मार के देखना है। कैसे, यहाँ पर देखो 45 एकम 45, 45 दूनी 90, तो सेम यहाँ पर भी मिल रहा है क्या, ऐसे हमको दिमाग लगा के देखना है। ठीक है, तो देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी क्या होता है 14, 14 का 4, ठीक है, हाथ में आया 1, 6 दूनी 12, 12 और 13, क्या बोल रहा हूँ 67 गुने 2 करोगे तो 134 मिलता है। जैसे यहाँ पर मेरा 45 एकम 45, 45 दूनी 90, ठीक है, तो हर समय
यदि मैंने बोल दिया कि यार ऐसा लिख कि आप जो है कि सॉल्व करो, है ना, तो ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसा ही करना है। आपको यदि डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रहा है तो डायरेक्ट डायरेक्ट पकड़ो चीज़ों को, है ना, एकदम लकीर के फकीर थोड़ी बनना है, जैसे भी हो बनना चाहिए बस, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 67 एकम 67, 67 दूनी 134 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सरल अनुपात आपको मिल रहा है 1:2 तथा 45, और 90 में सरल अनुपात क्या मिलेगा, यहाँ पर भी 1:2 ही मिलेगा, 45 का डबल 90, 45 का डबल 90। अब कुछ चीज़ों को याद रखना यार, है ना, हर जगह आपको एकदम हल करके फिर लिखना है ऐसा नहीं, ठीक है। सरल अनुपात समान है ऐसे, तो यहाँ पर सरल अनुपात कैसा है, समान है, तो आपको ऐसे इसको लिखना है। इसलिए 67 अनुपात 134 समानुपात 45 अनुपात 90, अतः 67 134 45 90 समानुपात क्रम में है, समानुपात क्रम में है, ओके। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं दूसरा का 10वां वाला को, ठीक है। हल लिखते हैं, डेस करते हैं, और यहाँ पर जो दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ 1:2, इसका जो सरलतम अनुपात है वो 1:2 ही है, इसको और सरल नहीं कर सकते, ठीक है। तथा 3:6, इसका सरलतम अनुपात क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दुनी 6, ठीक है। तो 1:2, ऐसे ना काटना मत, ठीक है, जब आप पेपर में लिखोगे ना तो काटना मत, ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। फिर यहाँ पर लिख देते हैं सरल अनुपात समान है, इसलिए 1:2 ठीक बराबर 3:6, ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते थे ऐसे, 1:2 समानुपात 3:6, अतः 1 2 3 6 समानुपाती क्रम में है, समानुपाती क्रम में है, ओके। चलो अब हम देखते हैं दूसरा का 11वां वाला को, ठीक है। तो यहाँ पर हमें संख्याएं दी गई है 5, 7, 9 और 13, ठीक है। अब यहाँ पर हम पहले ये चेक करते हैं कि ये जो क्रम में है वो समानुपात क्रम में है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ 5:7, देखो यार यहाँ पर 5 और 7 दोनों ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसका जो सरलतम अनुपात है ना, ये 5:7 ही रहेगा, ठीक है। अब तथा लिख देते हैं 9:13, यहाँ पर 13 जो है कि अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका भी सरलतम अनुपात 9:13 ही मिलेगा। अब यहाँ पर आप सरल अनुपात को देखो, दोनों का जो सरल अनुपात है वो समान नहीं है, ठीक है, सरल अनुपात समान नहीं है, समान नहीं है, अतः 5, 7, 9, 13 समानुपाती क्रम में नहीं है। अब हम ये समझते हैं कि क्या यहाँ पर क्रम को आगे पीछे करके समानुपाती क्रम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर सरल अनुपात को देखो, ठीक है, कि यार आप इसको आगे पीछे करके ना यहाँ पर तो आप समानुपाती क्रम में ला नहीं सकते। अब चारा क्या है,
कि 5 का पहाड़ा पढ़ें तो 9 आ जाए या 13 आ जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। 7 का पहाड़ा पढ़ने से 9 या 13, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई सा भी क्रम में रखोगे आपको समानुपाती प्राप्त नहीं होगा। अब इसका बड़ा कारण क्या है? इसका बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर 3 संख्याएं ऐसे हैं जो अभाज्य हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ 5, 7, 9 और 13 को क्रम बदल कर भी समानुपाती नहीं बनाया जा सकता, समानुपाती नहीं बनाया जा सकता। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही है ना। देखो यार, ये जो दूसरा नंबर का प्रश्न था इसमें टोटल 11 प्रश्न थे, ठीक है। इसी तरीके से पहला वाला प्रश्न में भी बहुत सारा प्रश्न था, तो इस कारण से ये सब अलग अलग वीडियो बना है ना। होप सो आप लोग को इन वीडियो से कुछ फ़ायदा मिल रहा होगा, ठीक है। देखो यार, क्या है ना, जब आप लोग वीडियो देखते हो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ना एक लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। और यदि कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गलत हो गया या फिर कुछ अच्छा चीज़ है, तो उसे कमेंट बॉक्स में ना कमेंट करके बताया करो, ठीक है। सामने वाले टीचर को भी अच्छा लगता है ना। और यदि आप लोग के दोस्त जो कि हो सकता है पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर हो, तो उनको भी इस चैनल के बारे में बताओ, वो भी इन चैनल से वीडियो देखकर अपने आप को थोड़ा सुधार कर सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।